हे एवरी वन आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टूडेज़ न्यू वीडियो सो दोस्तों आज का वीडियो एक लर्निंग वीडियो है लर्निंग सीरीज का पार्ट है एंड आज के दिन हम बात करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स सो अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर इंडिकेटर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है या मैंने आपको कोई भी स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स इस चैनल पर नहीं बताया है तो ऐसा क्यों है कि इंडिकेटर्स पर मैं कभी बात नहीं करता हूँ या हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है क्या कि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते हैं या लैगिंग होते हैं या उतना कुछ यूज उनका मार्केट्स में यूजफुल नहीं होते हैं सो so, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते हैं इंडिकेटर्स डू वर्क बट ऑलवेज प्राइज एक्शन का बिहेवियर वहां पर हमेशा प्रायर रहता है प्राइज एक्शन ऑलवेज विन्स ओवर इंडिकेटर क्योंकि जो भी हम इंडिकेटर्स प्लॉट करते हैं वो अल्टीमेटली हम प्राइस के ऊपर प्लॉट करते हैं और या फिर तो वॉल्यूम्स के ऊपर प्लॉट करते हैं चाहे आपका कोई भी इंडिकेटर है एमएससीडी से लेकर के आर तक सारे ही इंडिकेटर्स का वैल्यू डराइव होता है आपके प्राइस से या फिर तो विथ कोरिलेशन ऑफ दी वॉल्यूम से प्राइस so, क्या कह रहा है बट ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स वर्क नहीं करता है इंडिकेटर्स भी बिल्कुल वर्क करते हैं मार्केट में डिपेंड करता है कि हम इंडिकेटर्स को किस तरह से यूज करते हैं देर आर ट्रेडर्स हुआ मेकिंग मनी और डूइंग इंट्रा डे ट्रेडिंग सेशन बेस्ड ऑन अ सिंगल नाइन पीरियड मूविंग एवरेज एंड मैंने खुद ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो सिंपल नाइन पीरियड एवरेज को यूज़ करके या वीवेप को यूज़ करके मार्केट्स में काफ़ी अच्छे पोजिशंस एग्जीक्यूट करते हैं सो so आज के दिन हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे तो बिगिन करेंगे विथ वन ऑफ माई फेवरेट इंडिकेटर्स विच इज़ एनी गेसेज इन द कमेंट सेक्शन कि मेरा फेवरेट इंडिकेटर कौन सा हो सकता है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड कमेंट इन टू द कमेंट सेक्शन देन आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं सो मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर है वीवैप वीवैप स्टैंड फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वॉल्यू वी वैप क्यों वहां पर फेवरेट है कॉज वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वॉल्यूम को मैं काफी ज्यादा आप सभी ने देखा इंपॉर्टेंस देता हूं इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्राइस इन टू द मार्केट तो वॉल्यूम एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मार्केट्स में इग्नोर नहीं किया जा सकता है तो वी वैप क्या करता है वी वैप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब वी वैप मूविंग एवरेज और आपका वॉल्यूम समझ लीजिए मिक्स हो गया है तो जब मूविंग एवरेज और आप वॉल्यूम्स को मिक्स कर देते हैं तो वो बनता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की मूविंग एवरेज क्या है एवरेज प्राइस है और वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम्स है तो वॉल्यूम प्लस एवरेज प्राइस इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस सो वी वैप एक कोर रिलेशन है मार्केट सो वी वैप के बेसिस पर आज के दिन हम कुछ एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे या एक इंडिकेटर को मिक्स करेंगे बेस्ड ऑन आवर वन ऑफ द प्रीवियस एग्जीक्यूशन सिस्टम सो गैप गैप अप डाउन थ्योरी आप सभी के साथ शेयर किया गया था तो उसमें फिर हम वॉल्यूम का रोल और एवरेज प्राइस को इंक्लूड करेंगे एंट्री प्राइसेस के लिए सो so, यहां पर मैं इंडिकेटर को प्लॉट करूंगा दिस इज आवर वी वैप एंड वीवेप देख सकते हैं क्या मार्केट में वीवेप का परफॉर्मेंस है अब वी वैप का अगर आप नेचर इसको थोड़ा डिस्कस किया जाए कि वी वैप का क्या नेचर होता है जैसे कि वी वैप वॉल्यूम और एवरेज प्राइस को वेटेड एज अ कॉम्बिनेशन शोकास्ट करता है रिप्रेजेंट करता है तो जैसे सपोज अगर आप इस दिन देखेंगे तो इस दिन क्या हुआ है मार्केट ओपन होते साथ वी वैप के ऊपर प्राइसेस यहाँ पर ट्रेड हुआ है तो इसका मतलब क्या है वी वैप आज के दिन नीचे क्यों यहाँ क्रिएट हुआ है कॉज जो भी क्वांटिटी एक्सचेंज हुआ है और प्राइसेस जिस तरह से मोमेंटम किया है तो जो वॉल्यूम फ्लो मार्केट में आया है उसका डोमिनेशन या कंक्लूजन क्या निकला है कि वॉल्यूम के साथ प्राइसेज हायर प्राइसेस पर आज के दिन प्रोसीड किया है हायर लेवल्स पर बाइंग साइड पर मार्केट गया है तो इसका मतलब क्या है जो भी क्वांटिटीज आया है उसका डोमिनेशन किस साइड का हुआ है बाइंग साइड का हुआ है अब देखिएगा क्वांटिटीज तो हमेशा सेम होता है जितना क्वांटिटी बाय किया गया है इस दिन क्या उतना ही क्वांटिटी सेल किया गया है द आंसर इज यस अगर कोई सेलर नहीं है तो आप किससे खरीदेंगे नहीं खरीद पाएंगे सो so, ये वेरी बेसिक वीडियोस में भी बताया गया है कि हमेशा जितना क्वांटिटी बाय किया गया है उतना ही क्वांटिटी सेल किया जाता है अगर कोई सेलर नहीं है तो आप बाय कैसे करेंगे नहीं कर पाएंगे तो हमेशा आज के दिन भी यहाँ जो भी क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वो पूरा क्वांटिटी यहाँ पर सेम है एग्जैक्ट सेम है पिन पॉइंटेड एक भी क्वांटिटी ऊपर नीचे नहीं है जितना भी क्वांटिटी बाय हुआ है उतना ही क्वांटिटी सेल हुआ है बट ऐसा क्यों होता है कि क्वांटिटी सेम है तो मार्केट फिर बाइंग साइड गया है क्योंकि हायर प्राइसेस पर डोमिनेशन हुआ है जो क्वांटिटी एक्सचेंज था वो डिमांड बढ़ती गई तो बाइंग सेलिंग क्वांटिटी तो सेम हो रहा है लेकिन हायर प्राइसेस पर हो रहा है तो इसलिए प्राइस हायर गया है तो वीवेप के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मार्केट में क्वान्टिटीज आया उसी के साथ प्राइसेस हायर प्राइसेस पर ट्रेड हुआ तो इसलिए आज के दिन प्राइसेस वीवेप के ऊपर चल रहा है तो ये जनरल सा वी वैप का अंडरस्टैंडिंग होता है जैसे यहां देखेंगे तो एक बार ऊपर ट्रेड हुआ फर्स्ट हाफ सेशन में एंड सेकेंड हाफ सेशन में नीचे ट्रेड हुआ तो इसका मतलब क्या है कि यहां से जो वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ सेकेंड हाफ सेशन में तो वॉल्यूम तो मार्केट में आया क्वांटिटी ट्रेडेड सेम था बट प्राइस नीचे की तरफ क्यों गया वी वैप के क्योंकि डोमिनेशन सेलिंग साइट का हुआ कि नीचे के प्राइसेस पर ये पूरी क्वांटिटी एक्सचेंज हुई है ऐसे ही यहाँ देखेंगे तो नीचे चल रहा है इसका मतलब क्या है कि नीचे के प्राइसेस पर डोमिनेशन हो रहा है तो ये सिंपल सा वी वैप का ओवरव्यू होता है अब वी वैप हमारा ओपनिंग के साथ क्या हो जाता है चेंज हो जाता है क्योंकि मार्केट कभी गैप अप होता है कभी गैप डाउन होता है एवरेज प्राइस तो सस्टेन कर जाता है मूविंग एवरेज जाएंगे तो ऐसा शार्प मोमेंटम नहीं होता है कि ओपन यहाँ हुआ सीधा यहाँ आ गया एवरेज प्राइस तो ऐसे ही नहीं चलता है मूविंग एवरेज बट वी वैप में ऐसा क्यों होता है क्योंकि आप देखेंगे वॉल्यूम्स को तो एक तो मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है और जो दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम पर आता है सो so हम यहाँ पर कैसे वी को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं एंड कैसे वी हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर प्राइस को रीड करने के लिए यहाँ पर हो सकता है तो यहाँ पर एक सिस्टम को हम लिंक करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि आप सभी को वहां पर गैप अप गैप डाउन का सिस्टम बताया गया था कि हम एक जनरल बाइंग सेलिंग का ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट अगर बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन होता है तो जो भी सपोर्ट बनेगा वो सपोर्ट क्या हो जाएगा इंट्राडे का लो हो जाएगा तो सपोज देखिए मार्केट ये बाइंग ट्रेंड में है एंड बाइंग ट्रेंड में सपोज मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन होगा तो क्या गैप डाउन होकर मार्केट ऐसे कंटिन्यूस ट्रेंड रिवर्स कर सकता है द आंसर इज नो प्राइस का नेचर क्या है कि गिरेगा तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेगा सबसे पहले फिर लोअर हाई बना करके रिवर्स कर सकता है अगर रिवर्स करना होगा और अदरवाइज गैप डाउन हुआ है सपोर्ट बनाएगा तो ट्रेंड कंटिन्यूशन हो सकता है इंट्राडे सपोर्ट बनने के बाद तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को यहां पर हम यूज कर सकते हैं डोमिनेशन और प्राइस के कोरिलेशन को देखने के लिए कि अब यहां से जो क्वांटिटी आ रहा है वो मार्केट में हायर प्राइसेस पर डोमिनेशन किया जा रहा है तो उस बेसिस पर हम वी वैप का एंट्रीज वहां पर क्रिएट कर सकते हैं तो ऐसे वी वैप हमारे लिए यूजफुल रहेगा टू ट्रेड बाइंग ट्रेंड और अ सेलिंग ट्रेंड तो हम बाइंग ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं जहां से सेलर डोमिनेशन करें बट अगर आप अभी फिलहाल के लिए रैंडम करेंगे कि रैंडम बाइंग ट्रेंड में वी वैप ऊपर क्रॉस कर रहा है बाय करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल केस हो जाएगा हमें कब बाय करना है जब आपका इंट्राडे का सपोर्ट कंफर्म हो जाए जब मार्केट बाइंग ट्रेंड में रिट्रेसमेंट ओवर हो जाए और स्ट्रांग इंट्राडे सपोर्ट बन जाए तो यहां से फिर प्रोबेबिलिटी होगा कि या तो मार्केट कंटिन्यूशन करेगा या फिर तो रिवर्सल करेगा तो कंटिन्यूशन भी करेगा तो सपोर्ट सस्टेन होगा रिवर्सल भी करेगा तो भी मार्केट थोड़ा बहुत बाइंग साइड मोमेंटम करके लोअर हाई बना करके रिवर्स होगा सो बाइंग ट्रेंड में प्राइस का नेचर होता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद अगेन सपोर्ट बनाता हुआ कंटिन्यू करता है रिट्रेसमेंट के बाद अगेन सपोर्ट बनाता हुआ कंटिन्यू करता है तो गैप डाउन्स इन अ बाइंग ट्रेंड अपने आप में एक रिट्रेसमेंट होता है और इतना रिट्रेसमेंट गैप डाउन होने के बाद जो भी पहला सपोर्ट बनेगा या मार्केट सपोर्ट बना के जहां से वीवैप को क्रॉस करेगा वो एक कंफर्मेशन होगा कंटिन्यूशन का तो चलिए एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो अक्टूबर यहां पर फ्यूचर्स हमारा इंडेक्स का ओपन है तो एग्जाम्पल हमें क्या देखना है कि बाइंग ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन होना चाहिए तो सपोर्ट बनने पर बाय करेंगे एंड सेलिंग ट्रेंड में मार्केट गैप अप होना चाहिए तो रेजिस्टेंस बनने पर शॉर्ट करेंगे तो जैसे ओवरव्यू अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये मार्केट का सेलिंग ट्रेंड है एंड सेलिंग ट्रेंड में मार्केट गैप अप सबसे पहली बार कहाँ हुआ है यहां पर हुआ है कि ये सेलिंग ट्रेंड है ये आपका गैप डाउन है तो कुछ नहीं करेंगे ये आपका यहाँ पर गैप अप है तो इस पर्टिकुलर डे पर मार्केट यहाँ पर गैप हुआ है तो सेलिंग ट्रेंड में गैप अप पर वहां पर हम शॉर्ट करेंगे तो मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ इन दिस सेलिंग ट्रेंड एंड सेलिंग ट्रेंड का अप अगर देखेंगे तो गैप अप होने पर जैसे ही मार्केट पहली बार वी वैप को नीचे की तरफ क्लोज करेगा उस पर शॉर्टिंग पोजीशन को बनाया जाएगा शर्त क्या है क्या कंसेप्ट रूल होगा कि जो क्लोजिंग है वो आपका हेल्दी क्लोजिंग होना चाहिए फर्स्ट कैंडल देखेंगे तो विक बन रहा है नीचे बहुत बड़ा तो इसको नहीं लेंगे फिर मार्केट ऊपर गया और एक रेजिस्टेंस बनाया इंट्राडे का अब मार्केट को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो यहाँ से कर जाएगा कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है मार्केट गैप अप हुआ तो सेलिंग ट्रेंड का रिट्रेसमेंट पूरा हो गया अब यहाँ से बात अलग है कि मार्केट कंटिन में नहीं गया है लेकिन यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कंटिन्यूशन अगर जाता तो वी वुड हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड तो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि वी वैप के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए गैप अप के बाद मार्केट सेलिंग ट्रेंड में गैप अप होगा सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएगा इसके बाद जैसे ही वी वैप के नीचे क्लोजिंग आएगा तो हम एंट्री लेंगे यहां पर क्लोजिंग प्राइस पर और नियरेस्ट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे वन रेशियो टू का टारगेट एक्सपेक्ट किया जाएगा तो मार्केट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वन रेशियो वन से ज्यादा मोमेंटम किया एंड देन रिवर्स हुआ है तो ट्रेल करके यहाँ कहीं पर हम एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं इन वन रेशियो टू ट्रेडिंग सिस्टम चलिए सो और देखेंगे काफी ही ज्यादा सिंपल एग्जीक्यूशन मेथड है बट येट इट्स वेरी इफेक्टिव एंड हाई प्रोबिलिटी एग्जीक्यूशन अगेन ऑब्जर्व करेंगे तो सेलिंग ट्रेंड में गैप अप चाहिए ये तो गैप डाउन है ये नॉर्मल ओपनिंग है और यहां फिर मार्केट बाइंग ट्रेंड में आ गया है तो यहां से फिर बाइंग ट्रेंड है तो बाइंग ट्रेंड में गैप डाउन चाहिए ये भी गैप अप हो गया ये भी गैप अप हो गया गैप डाउन नहीं मिला तो अगेन दिस इज सेलिंग ट्रेंड अब इस अगेन सेलिंग ट्रेंड में क्या किया जाएगा गैप अप पर हम शॉर्ट करेंगे तो गैप अप देखेंगे तो इस सेलिंग ट्रेंड का जो नियरेस्ट गैप अप देखेंगे तो यह वाला है कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में गैप अप हुआ तो कंसेप्ट क्या कहता है कि मार्केट सेलिंग ट्रेंड में अप होगा और जो भी पहला रेजिस्टेंस बनाएगा उस रेजिस्टेंस बनने के बाद या तो मार्केट सेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा जैसा कंटिन्यूएशन किया है और या फिर तो ट्रेंड को रिवर्स करेगा एक हायर लो क्रिएशन के साथ तो जैसे यहाँ पर कन्फर्मेशन के बाद कंटिन्यूशन नहीं किया रिवर्सल हुआ हायर लो के साथ तो मार्केट जितना भी अगर वन रेशो वन मोमेंटम कर देगा तो हम वहां पर फिर लॉस लेकर के नहीं जाएंगे अब जैसे यहाँ आ जाइए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एंट्री कहाँ होगा जैसे ही एक हेल्दी रेड कैंडल रेजिस्टेंस बना वी वैप के नीचे क्लोज हो जाएगा तो क्लोजिंग प्राइस पर हम डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे नियरेस्ट स्विंग हाई सेफेस्ट एस रखा जाएगा वन रेशो टू का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे तो यहां पर भी हमारा टारगेट इस ट्रेड में आ जाएगा तो काफी सिंपल एग्जीक्यूशन मेथड है बेस्ड ऑन द वी वैप तो और पीछे आएंगे तो गैप अप कहाँ हुआ ये तो गैप डाउन हो गया अगेन देखेंगे तो मार्केट फिर यहां पर गैप अप हुआ है तो गैप अप हुआ है तो कहाँ पर शॉर्ट करेंगे सेलिंग ट्रेंड में वही कंसेप्ट है गैप अप होगा तो रिट्रेसमेंट पूरा हो जाएगा रेजिस्टेंस बनाने के बाद या तो ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा जैसे कंटिन्यूशन हो गया है या फिर तो हायर लो क्रिएशन के साथ रिवर्सल हो जाएगा तो एंट्री कहाँ पर लिया जाएगा जैसे ही कोई भी रेड कैंडल एक हेल्दी क्लोजिंग देगा वी वैप के नीचे तो यहाँ वी वैप को क्रॉस किया क्लोजिंग आया तो डायरेक्ट क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लेना है नियरेस्ट विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड वन रेशियो टू का टारगेट यहां पर ईजली अचीव हो जाएगा एक किसी और एग्जांपल देखेंगे तो सेलिंग ट्रेंड में देखिए नेसेसरी क्या है इंपॉर्टेंट क्या है गैप अप होना चाहिए तो ये गैप डाउन है ये भी गैप डाउन है ये गैप डाउन है इसके बाद यहाँ पर मार्केट क्या किया है ये भी तो आपका सेलिंग ही ट्रेंड चल रहा है ये सेलिंग ट्रेंड है और सेलिंग ट्रेंड में ही मार्केट क्लोज किया फिर गैप अप हुआ तो सेलिंग ट्रेंड का ही तो गैप अप है बट मार्केट अगर नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो एंट्री हमारा नहीं होगा एंट्री इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम में ट्वेल्व पी के सिर्फ पहले ही लिया जाएगा तो बारह बजे के पहले तो मार्केट क्या किया कहीं भी डोमिनेशन के साथ एवरेज प्राइसेस में यहां पर नीचे क्लोजिंग नहीं आया सो वी वैप के नीचे क्लोजिंग नहीं आया इसका मतलब क्या है जो भी क्वांटिटी फ्लो हो रहा है उसमें सेलर नीचे के प्राइसिस पर डोमिनेट नहीं कर रहा है तो यहां कोई एंट्री नहीं होगा इसके बाद अगेन देखेंगे मार्केट सेलिंग ट्रेंड अगेन यहाँ बाइंग ट्रेंड तो बाइंग ट्रेंड में क्या चाहिए गैप डाउन चाहिए तो ये आपका बाइंग ट्रेंड है बाइंग ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन होगा तो सबसे पहले सपोर्ट बनाएगा यहाँ कहीं मार्केट सपोर्ट बनाया पहला कैंडल देखेंगे काफ़ी बड़ी विक्स हैं तो सेकेंड कैंडल हेल्दी क्लोजिंग है एंट्री होगा अब जैसे कि स्टॉप लॉस नियरेस्ट स्विंग हाई जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो जिस भी केस में काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए उस केस में कैंडल लो या फिर तो वी वैप के नीचे कहीं स्टॉप लॉस को उस टाइम फ्रेम के हम रख सकते हैं सो वन रेशियो टू इस ट्रेड में भी काफ़ी इजली अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंटम में अचीव हो जाएगा अब जैसे आज का ट्रेड देखेंगे तो आज के ट्रेड में यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस गया है कि स्टॉप लॉस ट्रेड लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो शेयर किया गया कि हमने बाय किया बट यहाँ पर स्टॉप लॉस गया है बट अकॉर्डिंग टू अगर वी वैप कंसेप्ट देखेंगे तो क्या होगा कि मार्केट इज इन अ बाइंग ट्रेंड कि यहाँ बाइंग ट्रेंड है मार्केट गैप अप होकर के बाइंग ट्रेंड में क्लोजिंग दिया अब यहाँ पर मार्केट क्या हुआ है गैप डाउन हुआ है तो जैसे ही वी वैप के ऊपर स्ट्रेंथ का क्लोजिंग आएगा हम बाय करेंगे तो पहला एंट्री फर्स्ट ग्रीन कैंडल पर होगा इसका स्टॉप लॉस जाएगा दूसरा एंट्री यहाँ कहीं मार्केट क्लोजिंग दिया तो यहाँ कहीं हमारा एंट्री होगा क्लोजिंग प्राइस पर नियरेस्ट स्विंगलो का एस रखेंगे वन रेशो टू ईजली यहाँ पर भी अचीव हो जाएगा सो बेस्ड ऑन अदर कंसेप्ट आज के दिन भी कॉल ऑप्शन लिया गया 17,000 कॉल ऑप्शन बट यहां कहीं लेट लिया गया तो मार्केट ये हल्के से विप्सों में हमारा एसएल चला गया फिर बाइंग साइड का कंटिन्यूशन किया हुआ है सो so यहां वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे तो बुलिश था मार्केट एंड इसी बेसिस पर फिर वॉल्यूम बिहेवियर की भी रीड किया गया कि मार्केट बाइंग साइड है देन एक बाइंग पोजिशन को लिया गया दीज आर दी ऑर्डर्स एट विच टाइम द पोजिशन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड चलिए सो ये पर्टिकुलर वी वैप का सिस्टम आज के दिन हमने डिस्कस किया काफ़ी सिंपल सिस्टम है बट सिंप्लिसिटी से इसका मतलब नहीं है कि उसका इफेक्टिविटी कम हो जाएगा जितना ज़्यादा सिस्टम सिंपल्स हो एंड इफेक्टिव हो वही एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ऑफ अ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम तो यहां पर आपका प्राइस एक्शन भी इन्वॉल्व है मार्केट बिहेवियर इन्वॉल्व है एंड एक इंडिकेटर से भी हमने वॉल्यूम का ऑब्जर्वेशन रीड करने की कोशिश की है सो दिस वॉज दी वीडियो फॉर टुडे आने वाले डेज में और भी कई सारी लर्निंग वीडियोज़ इसी तरह की पोस्ट की जाएंगी तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो एंड आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको रेगुलर लाइव मार्केट में इंट्रा डे का अपडेट मिलता रहे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो दिस वॉज दी वीडियो फॉर टुडे सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट बाई टू ऑल एंड सी आ